everyone, welcome to our channel. I am Swikriti. I am Anukriti. And we are Misha Twins. So we are back with our new video. वैसे आज हमारा वो jump वाला intro नहीं हुआ because currently we are saving our energy. हाँ exactly, क्योंकि आप लोगों को title लेके पता चल ही गया होगा और शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा अगर आप हमें Instagram में follow करते हो, अगर community आपने post देखा हो हमारा. तो हाँ, हम दोनों को सच में वी बोथ आर कोरोना पॉजिटिव अभी भी है. और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारे मॉम डैड है या नहीं. हाँ, तो हमारे मॉम डैड भी अभी कोरोना पॉजिटिव है. हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली में हम चारों ही, हम लोग होम क्वारंटाइन हैं, हम चारों कोविड पॉजिटिव है. वैसे पता नहीं क्यों हमने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, मीन्स हमने एक बार भी नेग्लिजेंस नहीं किया है, लिटरली नॉट इवन वन. हम लोग कभी भी बाहर मास्क के बिना नहीं जाते लिटरली. और यू विल नॉट बिलीव कि जब हमें कोरोना हुआ है उसके 10 दिन पहले तक हम लोग कहीं घर से बाहर गए भी नहीं. एग्जैक्टली, मीन्स और हमारे घर में जो भी सामान आता है, यू नो, कुरियर आता है, पार्सल आता है, वो सब कुछ एक भी एग्जैक्टली एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमने सैनिटाइज किए बिना यूज़ किया हो. मीन्स लिटरली हम लोगों ने सब कुछ प्रिकॉशन लिया, हम लोग क्रैक ही नहीं कर पाए लिटरली कि हमें कैसे हुआ है. एक्चुअली हमें जैसा लगता है कि शायद हमें सोसाइटी में कुछ लोगों को हुआ हुआ है तो लिफ्ट या किसी चीज़ से हो गया होगा, लेकिन हम लोग गए नहीं है क्योंकि 10 दिन से बाहर गए ही नहीं थे बिल्कुल भी. लाइक आपको हमने बताया भी था कि हम लोग मॉल्स एंड कमर्शियल स्टोर्स नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमें डर लग रहा है. और डरने के बावजूद हो गया, बट कोई बात नहीं. और हाँ गाइड भी, अगर हमें हो सकता है ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं. अगर कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी आते हैं घर में वो सबको वॉश करके ही अच्छे से वॉश करके यूज़ तो करते वो हैं. अगर हमें हो गया है कोरोना तो फिर किसी को भी हो सकता है लिटरली. इतना प्रिकॉशन लेने वाले को अगर हो सकता है तो लिटरली किसी को भी हो सकता है. इसे प्लीज़ टेक केयर गाइस. आप सब लोग जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब लोग फॉलो करो. हम लोग भी कर ही रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं. हम सब लोग होम क्वारंटाइन है, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं हम लोग सब कुछ. हम सबकी तबीयत वैसे देखा जाए तो हम लोग ठीक है. मॉम की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अभी भी अभी शी इज़ फाइन नाउ. अभी थोड़ा मतलब कि कुछ दिन से हम लोग काफ़ी सब लोग का खराब ही है. एग्जैक्टली, सब लोग सब एक्चुअल में तो सभी का ख़राब है, बट हम सब में ख़राब इट इज़ नॉट समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट. बट यू नो, अब जो है उसमें अपने को खुश रहना चाहिए. हाँ, एक्सेप्ट इट. थैंक गॉड कि अभी हम सब ठीक है. हाँ, हम सब ठीक है. हम सब में से मॉम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी काफ़ी. डैड वॉज ओके. मीन्स मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लिया था, इसीलिए हो सकता है कि उनके सिम्टम्स थोड़े से कंपैरेटिवली कम है. बट हम तीनों को काफ़ी सिम्टम्स था. अभी अनुकृति भी थोड़ी ठीक है. मीन्स हम लोग अच्छी है ये. शी इज़ वेरी लिटरली बहुत. एक्चुअल में क्या है ना कि पापा तो संभाल ही रहे थे, बाकी मेरी और मम्मी की, हम दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. तो फिर उसमें अनुकृति लिटरली हैंडल्ड अ लॉट. लाइक उसने घर का सब काम वही कर रही थी बिकॉज कर रही. हमें पता ही नहीं था अनुकृति इतनी वो है, रिस्पॉन्सिबल है, यू नो. ओह माय गॉड, सीरियसली. बिकॉज हम सब में से डैड की और पापा की और जूली की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, और कंपैरेटिवली ऐसा नहीं कि ठीक थी, लेकिन उसमें अनुकृति ने बहुत किया. हम लोग खाना भी वो बना रही है, हम लोग खा भी रहे हैं. एक्चुअली पता है क्या कि सबसे पहले कोरोना जो हुआ है, हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि शायद मुझे हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उसका एक्चुअली में क्या है ना कि जब हमें हमने टेस्ट करवाया उसके 3-4 दिन पहले से अनुकृति की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो वी आर अज्यूमिंग कि उसे पहले हुआ, डैट्स वाई रिकवरी उसका पहले हुआ है. हम लोग अज्यूम कर रहे हैं. लेकिन मुझे 4 दिन पहले के 3 या 4 दिन प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद थोड़ा मैं रिकवर हो रही थी. लेकिन बेसिकली जब डिटेक्ट हुआ कि हम सभी को है, तब तक अनुकृति का जो वर्स्ट टाइम था वो जा चुका था. हाँ, लेकिन मॉम का कि मम्मी का बहुत लंबा चला एक्चुअली. बहुत ज़्यादा तबीयत खराब. हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा चला. लाइक जनरली स्टार्टिंग 2-3 दिन, लेकिन मॉम का लिटरली थोड़ा काफ़ी ख़राब हो गया था. वी वेर वेरी वरिड, बट फॉर्चुनेटली अभी सब लोग ठीक है. वी आर
मीन्स सब कुछ ख्याल रख रहे हैं, अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, थोड़े दिन और बाकी है, थोड़े दिन और बाकी, जल्दी से ये लिटरली दीज 14 डेज बीत जाए इसके बाद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दिन है ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ है, लाइक लिटरली हम लोग लॉन्गेस्ट 2 वीक्स आवर लाइफ एग्जैक्टली, हम लोगों ने शूट नहीं किया कुछ भी इस बीच में, कितने दिन के बाद शूट कर रहे हैं, इतना बड़ा ब्रेक, लाइक लिटरली इतने ईयर्स 3 साल से हमारा लॉन्गेस्ट ब्रेक रहा है ये, We were missing shooting. और हाँ गाइज, आप लोगों ने इतने सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हमें, विशेस भेजे, और यहाँ कमेंट सेक्शन में, DMs में, उसके लिए थैंक यू सो मच, लाइक सीरियसली थैंक यू सो मच, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, लाइक हमें पता नहीं था कि हम लोगों का लाइफ, यू नो, हमारा हेल्थ इतना ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल डैट, मीन सारे मैसेजेस, हमने सब कुछ देखा, हम लोग रिस्पॉन्स ज़्यादा का नहीं कर पाए, बट वी आर ट्राइंग, हम लोग थोड़े रिकवर हो जाए उसके बाद हम लोग अच्छे से रिप्लाई करेंगे सबको, हाँ थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सारा प्यार देने के, हाँ। और क्या हो रहा है, मैं ये ऑरेंज के बॉक्स से ऑरेंज को बास्केट में डाल रही हूँ, डालो हाँ, ऐसा बोलते हैं कि कोरोना में ऑरेंज जूस पीना चाहिए, हम लोगों ने इतना ऑरेंज जूस पिया है ना सच में, मतलब ये हमारा दूसरा बॉक्स है, हमने ख़त्म कर दिया एक बॉक्स पहले, और मैं ये सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश में अच्छा एक्चुअली हमने इतने सालों में नहीं पिया होगा जितना हमने ये कुछ दिनों में पी लिया, नहीं पीता है, हाँ नहीं, ऑरेंज जूस भी बनाते भी है, पीते भी है, तो फिर कितना ही पीता है, अभी कुछ ज्यादा ही, रोज एवरीडे डू योर वर्क, पर वैसे हम लोग क्या है ना कि हम लोग मोर ऑरेंज खाने वाले लोग हैं, ऑरेंज का जूस, मतलब हम लोग कभी भी हम लोग प्रेफर नहीं करते ऑरेंज जूस बिकॉज वी ईट ऑरेंज, एग्जैक्टली, एक्चुअली आपको देखा जाए तो वही करना चाहिए, डैट इज बेटर, बट कोई नहीं, अभी जूस पीते हैं, क्या इसमें जो है वो क्या करूँ, इसमें डालूँ, वो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वो वाला इसमें डाल देंगे, लेकिन ख़राब हो जाएगा नहीं ये, अच्छा तो कुछ कर, वैसे हम लोगों ने अपना डिपार्टमेंट सेट करके रखा है, लाइक सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, काढ़ा का डिपार्टमेंट पापा का है, ऑरेंज ये सेट करने वाला डिपार्टमेंट अनुकृति का है, ऑरेंज जूस बनाने वाला डिपार्टमेंट मेरा है, और घर का बहुत सारा काम करने का डिपार्टमेंट भी है मेरा, हाँ अनुकृति बहुत सारा काम भी कर रही है, और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है इसलिए, हाँ लाइक लिटरली मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तो हम लोग को थोड़ा सा टेंशन हो गया था काफ़ी, लेकिन अब ठीक है, अब ठीक है, थैंक गॉड। इतनी खुशी चलो अब इसका जूस बनाया जाए, गिर गया अरे मुझे कैच करना है, अरे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था उसमें ऐसे कैच किया था, तो कैच करना नहीं आ रहा है, अरे मैं फोन में देख रही हूँ ना इसीलिए, मैं चाह रही हूँ ये मूव हो साथ में, सारा ऑरेंज खराब कर देगा तू रहने दे, तू ये हाथ में कट, कट, कट। गाइज मुझे आप लोगों को कुछ अपडेट करना था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, एक्चुअली अभी हम लोगों को बाहर जाना नहीं चाहिए बट हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं अभी हम चारों, वो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मैं, उसके पहले आपने देखा आज मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि वी ऑल नो डैट जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती है, अभी कुछ थोड़ा भी हेल्थ इशू आता है तो सबसे पहले हेयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट नेचुरल कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो फिर आपके हेयर्स पे काफ़ी इफेक्ट आता है, बट फॉर डैट मैंने थोड़ा सा सेल्फ केयर किया है, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विथ यू गाइज, सो फॉर डैट आई यूज़ हेयर केयर किट फ्रॉम वाउ स्किन साइंस, इट कम्स विथ 10-in-1 मिराकल हेयर ऑयल, एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड कोकोनट एंड अवोकाडो कंडीशनर, एक्चुअली कल रात को मुझे अपने हेयर्स थोड़ी फ्रिजी लग रहे थे, डैट्स वाई आई ओवरनाइट ऑयल्ड इट यूजिंग दिस वाउ स्किन साइंस 10-in-1 मिराकल हेयर ऑयल, और सबसे अच्छी बात यह है कि दीज आर मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, सो मुझे यू नो हार्मफुल केमिकल वाली टेंशन नहीं है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इफ़ यू अप्लाई ऑयल ओवर नाइट देन उससे आपको
हेयर फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम चली जाती है एंड ऑल्सो एल्यूमिनेट्स डैंड्रफ एंड देन आई जस्ट कंटिन्यूड विथ माई नॉर्मल रूटीन. उसके बाद इन द मॉर्निंग आई शैम्पूड माई हेयर यूजिंग एप्पल साइडर वेनेगर शैम्पू. आप सभी को पता होगा कि एप्पल साइडर वेनेगर हैज गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट, लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इट ऑल्सो एल्यूमिनेट्स डैंड्रफ एंड ड्राई स्कल्प प्रॉब्लम. देन आई फॉलोड इट विथ वाओ कोकोनट एंड अवोकाडो कंडीशनर बिकॉज इट इज रिच इन वीट प्रोटीन, वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड अवोकाडो ऑयल. सो इट डेफिनेटली इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड आई कैन रियली से डैट मेरा हेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है. मेरी सबसे बड़ी बात यह ना कि वैन यू आर सिक तो फिर आपको कुछ भी सेल्फ केयर करना काफ़ी अच्छा लगता है ना. आई मस्ट से यू शुड गिव इट अ ट्राई बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी जेन्यून. दीज आर मेड अप ऑफ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स ऑल्सो. आई वुड से डैट इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर हेयर फॉल, फ्रिजी हेयर एंड स्प्लिट एंड्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन यूज इट. सो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए एंड देयर ऑल्सो कम्स विद दिस QR कोड इन एवरी प्रोडक्ट. तो आप चाहे तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं एंड यू कैन चेक फॉर दिस ऑथेंटिसिटी एंड यू विल ऑल्सो गेट रिवॉर्ड फॉर दैट. दैट इज रियली गुड एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया. दे आर मेड अप ऑफ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी हार्मफुल केमिकल्स. सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. आपको ये बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे. लाइक यू कैन बाई इट फ्रॉम buywow.in पर, फ्रॉम नाइका, फ्रॉम अमेजोन एंड फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑल्सो. और अगर आप यूज़ करेंगे मिशा ट्विंस 20 कूपन कोड देन यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट, जो कि कोड सिर्फ इनके वेबसाइट पे ही मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वाओ के. सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे मिल जाएंगे. वैसे वॉट आई वॉज सेइंग दैट अभी वी नो दैट हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बट एक्चुअली आज क्या है कि 5-6 डेज हो गए हैं और अभी तक हम लोगों की तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, यू नो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है. डैट्स वाई हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया टू गेट सीटी स्कैन डन. तो फिर हमने सोचा था कि आपको नहीं बताएंगे, बट कोई डरने वाली बात नहीं है. बट अगर सिटी स्कैन करवा लेंगे तो फिर यू नो फॉर श्योरिटी डैट वी आर फाइन. तो उसी के लिए, जो कि घर में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, डैट्स वाई वी हैव टू गो आउटसाइड. तो अभी हम चारों जाने वाले हैं अपना सिटी स्कैन करवाने के लिए. थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे सच्ची बताऊँ तो, बट कोई बात नहीं. होप सो सब कुछ ठीक हो. जो भी होगा वी विल अपडेट यू गाइज. तो गाइज आ गई है स्वीकृति मिश्रा यहाँ पर ऑरेंज का जूस निकालने के लिए. और क्या लगता है कितने ऑरेंज जूस निकाल लेंगे आप आज? जब तक ये जग भर ना जाए ओके, अराउंड 20 ऑरेंजेस के जी. ठीक है चलो स्वीकृति काम करती हूँ, मैं यहाँ पे लगाती हूँ. आप लोग देखो कि स्वीकृति कितने देर में निकालती. मैं अभी थोड़ा किचन का काम और करूँगी और स्वीकृति ऑरेंज का जूस निकाल दी जाएगी. देखो बेचारे को एकदम दबा के मार डाला उसको. अभी लिटरली हमें ऐसा हो गया है ना कि हमें खाने में किसी चीज का भी टेस्ट नहीं लगता है. हाँ. सिर्फ सॉल्टी लगता है बहुत ज्यादा. कोई भी खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है. बस हाँ. ये ऑरेंज जूस ऐसा है कि कम से कम खट्टा लगता है. हाँ. काफी ज्यादा यू नो, तो थोड़ा सा हमारे टेस्ट बर्ड के लिए भी अच्छा ही है. एक्चुअली ये माल्टा है, पता देखो दिखा एक दे, पता इतना सुंदर लगता है ना ये. लुक एट दिस, सो प्रिटी. नो मुझे बहुत ज्यादा पिटी लगता है ये ऑरेंज. मुझे तो मन करता है क्या करूं मैं इसको, पता नहीं. anyway. क्या कर सकती है? ये रह गया. चला जनरली और लोग ऑरेंज जूस निकालते हैं तो कितना करता है? एक बार में 4 ऑरेंज का निकालते हैं, 5 का निकालते हैं. लिटरली एक बार मैं 30-32 ऑरेंज का निकालू, हाथ दुखने लगता. एक अलग ही एक्सरसाइज चल रहा है. वैसे पता है हम सबकी सबका आवाज आप सुनाई दे रहा है अभी, लेकिन कुछ एक दिन पहले तक हम सब में से किसी की आवाज नहीं निकल रही होगी. Exactly, बिल्कुल भी आवाज नहीं. कितने मुश्किल से बोल रहे थे. हाँ, आपने वो लास्ट वीडियो देखा होगा हमारा मेकिंग चॉकलेट बॉल, उस टाइम पे भी शायद हम पॉजिटिव थे, हमें पता नहीं था. हमारी तबियत उसमें अगर आपको लगा होगा कि हम लोग का एनर्जी थोड़ा सा लो है तो उस टाइम पे हमारी तबीयत खराब थी, बहुत खराब थी. हाँ, और उसमें एक वॉइस ओवर है वो मैंने किया है तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी उसमें. ओह माय गॉड, वॉइस सीरियसली हम लोगों को एक्चुअली काफी टाइम से पुराने वीडियोस में अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी डिफरेंस हम लोग का. हाँ, और उसपे कितने लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि
आप लोग चिल्लाते हो तो लाइक लिटरली उससे बड़ा बुरा लगा कि हम लोग कितने मुश्किल से चिल्ला रहे थे वो हम जानते हैं, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू सी बोरिंग वीडियोज ना. तो अगर आपको एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, एनर्जी नहीं लगेगा, तो यू विल नॉट लाइक वॉचिंग इट. तो लिटरली यू डोंट नो कि हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं वो चिल्लाने के लिए. इफ यू आर कमेंटिंग ऑन डैट तो थोड़ा यू नो बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं, ऐसा करने वाले कम लोग होते हैं. अच्छा बोलने वाले लोग ज्यादा अच्छा बोलने वाले मींस लिटरली नॉट इवन वन पर्सन जो खराब बोले, उससे बहुत सारे लोग अच्छा ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ. सुकृति बहुत फटाफट काम कर रही है, देखो आधा जग भर भी दिया सुकृति ने. मैं बहुत फटाफट काम करती हूं. वाह 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 वा. सुकृति ने कुछ ज्यादा ही भर दिया जो जग को. एक गया मिशन सक्सेसफुल. चीयर्स. सो गाइस अभी हम लोग एक टेस्ट करवाने आए हैं बाहर. वैसे बाहर नहीं आना चाहिए, जो टेस्ट करवाने आए वो नहीं हो सकता घर पे. आई जस्ट होप कि सब कुछ नॉर्मल आए, है ना. हॉस्पिटल में ही होगा. हाँ अभी डायग्नोस्टिक सेंटर. यहाँ पे और भी लोग हैं बाहर कोरोना वाले, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं. मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है. आई जस्ट होप कि हम सब लोग जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना. हो जाएंगे हम सब लोग ठीक. पापा भी बहुत सुंदर है. मैं स्माइल कर रहा हूँ, ठीक है ना. पापा को देख के लग नहीं रहा कि ऊपर टेस्ट करो. ऐसे बैठे डॉक्टर जैसे. डॉक्टर भगवान जी की जय, लक्ष्मी माँ है, जय गणेश. भगवान के पीछे बैठी हूँ मैं. बाहर सो गाइज अभी शाम का टाइम है. मीन्स हम लोगों का लिटरली रूटीन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है. मीन्स हम लोग ने तो पता नहीं शूट कितने दिनों से नहीं किया है, और अभी लिटरली हमारे घर का जो माहौल है काफ़ी डिफरेंट है. लाइक मैं दिखाती हूँ, आप बैठे हुए घर में. ये रही अनुकृति. हाय हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग गुड. गुड. ये रहे मम्मी और पापा. हाँ अभी सब लोग मैच देख रहे हैं. अभी लिटरली हमारे शाम को इसने मैच ने बचाया हुआ है हमें बोर ने. और ये हमारा रूटीन काढ़ा. लाइक लिटरली हम लोग सुबह शाम बस काढ़ा पी रहे हैं. और मम्मी हमें कहे हाउ आर यू. लाइक मम्मी का देख के थोड़ी सी बीमार लग रही है, बट कोई बात नहीं, अभी जस्टिफाइड है. पापा देख रहे हो. और ये रही मैं. अभी घर थोड़ा सा हमारा मैसी है. लाइक क्या लिटरली लाइक मम्मी हमारा कुशन टेढ़ा है, टेडी बेयर टेढ़ा है, मम्मी बैठी हुई है. इट मीन समथिंग इज देयर. और अभी बहुत सारा काम करना है, बट कोई बात नहीं. मेरा काढ़ा कहाँ है? ये लिटरली रूटीन में आ गया है सबके. पापा बनाते हैं काढ़ा. पापा बनाते हैं, ये पापा का डिपार्टमेंट है काढ़ा बनाने का. सुबह शाम पापा सबके लिए काढ़ा बनाते हैं. हाउ आर यू नाउ? आई एम फाइन. चलो पापा ऐसे देखा जाए तो फिर काफ़ी मेंटेन करके रखे हैं, क्योंकि हम सब की हालत थोड़ी सी खराब थी, बट पापा ने बहुत संभाल लिया सबको, है ना. ओके बस चलो अब मैच देखो और काढ़ा पियो. और लाइफ में रखा ही क्या है. सो मैं यहाँ पे अपना काढ़ा एंजॉय कर रही हूँ. मुझे वो वाला फीलिंग आ रहा है, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो. और यहाँ पे अनुकृति बना रही है दाल. कहाँ गया दाल? ये दाल तड़का लगाएगी, तड़का दाल बना रही है अनुकृति. आप बताइए कुछ तड़के दाल के बारे में. क्या मतलब? पता नहीं. तड़का दाल मुझे बहुत पसंद है, अब सुकृति को खास पसंद नहीं है.
हम लोग घर में सबको पसंद है, लेकिन वो बहुत हेल्दी होता है, इसे हमें खाना चाहिए, पसंद ना हो भी। मुझे लिटरली ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखो इसमें इतना सारा तड़का जाने वाला है, इसमें ये सब डालने वाले हैं, मुझे बनाना भी नहीं आता है, यू नो। तो आज अनुकृति ने बोला चल मैं तेरे को सिखाती हूँ, जो कि अनुकृति भी फर्स्ट टाइम बना रही है। कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही नॉर्मल दाल तो बनाती, तड़का नहीं बनाती। नॉर्मल दाल भी बनाती नहीं है वो, इस टाइम में कभी कभी एक दो बार बनाया है। और यहाँ पे अनुकृति दाल को तड़का देते हुए, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना खाने में, वो मुझे बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं आता। कोई बात नहीं, अच्छा अनुकृति से सीखेंगे कि तड़का दाल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अनुकृति बता रही है। ओके, सबसे पहले हम इसमें तड़का, ये थोड़ा पैन में पानी है उसको भरेंगे। ओके, इसमें हम डालेंगे घी। वी आर नॉट काढ़ा पर्सन, लाइक हमारे घर में रूटीन में कितने लोगों के घर पर होता है ना वो, हम लोग ऐसा नहीं है। बट अभी तो लिटरली मना भी नहीं कर सकते, एंड इट इज लाइक लिटरली नाउ आई अंडरस्टैंड कि घी डाल दो, देखो डालो। ओके, नाउ आई लिटरली अंडरस्टैंड कि लोग यू नो काढ़ा क्यों फेंक देते हैं छुपा के अपने पेरेंट्स से, बट यू शुड डंट, मत करो ऐसा, हमने ऐसा कभी नहीं किया। मम्मी, चलो आपको मैं मम्मी के पास ले चलती हूँ। मम्मी इज स्लीपिंग, एक्चुअली मम्मी इज रेस्टिंग करेंटली। हम सभी में मम्मी की सबसे ज़्यादा तबीयत खराब हुई है, मीन्स मम्मी की तो काफ़ी तबीयत खराब हुई है। अभी थैंकफुली थोड़ा सा ठीक है अभी, बट लिटरली मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ये देखो अनुकृति बना रही है तड़का दाल, और अनुकृति उस तड़के में जीरा डालना भूल गई थी, इसलिए वो जीरा वो ऊपर से मिलावट कर रही है। अरे तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा कैसे किया तुमने? किसी को कानो खाने का नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा है ना। और वैसे मेरा काढ़ा इज ऑलमोस्ट फिनिश, फिनिश माय गॉड। और ये रहा अनुकृति का, अब रखना पिया। देखो क्या हुआ, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये अनुकृति ने इसमें डाला हींग, जिसके खुशबू का नामो निशान नहीं आ रहा है हमें। वाह क्या दाल बनी है, वाह क्या दाल बनी है। वो तो खा के पता चलेगा, इसे खाने में ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा है हमें, स्मेल तो बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है। अभी तो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। अनुकृति को थोड़ा बहुत आना स्टार्ट भी हुआ। सो गाइज, आफ्टर दिस वी ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, एंड हमारी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, सो वी डिडंट रिकॉर्डेड मच, बट कोई बात नहीं, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वी होप कि आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा हमारा शेयर करना, हमारा यू नो पर्सनल, और हमारा कैसा चल रहा है अभी करेंटली ड्यूरिंग कोविड। सो ऐसा कुछ भी होगा, नया रिपोर्ट आएगा या फिर कुछ और टेस्ट करवाना होगा, जो भी होगा वी विल कीप अपडेटिंग यू गाइज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, नमस्ते।